कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को ये बताने की कोशिश की कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, अगस्त 2017 में यूपी के गोरखपुर मेडिकल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत के कारण डॉक्टर कफील खान गिरफ्तार हुए थे। इन्होंने माना है कि हम 500 सिलेंडर्स लेके आए थे, अपनी आरटीआई में माना है। माएं हम लोगों के पैर पकड़ पकड़ के रो रही थी कि मेरे बच्चों को बचा लो। वो जानते थे कि उनके बच्चे मर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। सिलेंडर्स हम लाते थे, वो खत्म हो जाते थे, लाते थे खत्म हो जाते थे। और कौन बच्चे थे वो? एक दिन पहले पैदा हुए, दो दिन पहले पैदा हुए। उनको बच्चों को नहीं पता था कि क्यों मर रहे हो। हाउ स्मॉल दे आर। वहां वार्ड में, एंड आई वॉज नॉट अलोन, नाउ बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वॉज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ही वॉज देयर। यूनियन मिनिस्टर शिवप्रताप शुक्ला वॉज देयर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर, एवरीबडी इज देयर। एंड ही वॉज लाइक, तू डॉक्टर कफील है, तू सिलेंडर लाया था? आई वॉज लाइक मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। हाँ, 2017 आई वॉज लाइक क्या हो गया? तो मैंने कहा यस सर। और तू सिलेंडर लाके तू सोचता है हीरो हो जाएगा, मैं तुझे देखता हूं। दीज आर द फोर वर्ड्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, जो यूपी और बिहार के होंगे उनको पता होगा तू और आप में कितना फर्क होता है। आई वॉज ऑल्सो अ गजेटेड ऑफिसर देयर। डॉक्टर कफील हैज कमिटेड अ क्राइम ऑफ नॉट टेलिंग अथॉरिटीज अबाउट द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाउ वुड आई टेल? आई वॉज अ डॉक्टर, आई ट्रीट किड्स। मुझे ऑक्सीजन खत्म हो गई है, नहीं हो गई है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे उस रात ही पता चला। आई फाइंड आरटीआई, आई आस्क हु इज द वाइस प्रिंसिपल, तो गवर्नमेंट से देयर इज नो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट इटसेल्फ। तो मैंने कहा टाइम्स नाउ कि आप पे मैं मानहानि का मुकदमा कर दूं। तो मैंने कहा सॉरी, अब वो अर्णव गोस्वामी जी हम छोड़ के चले गए। They made me head of the department. Head of the department बनने के लिए आपको 15 years का experience चाहिए। File FIR, I went lodged me in jail for 9 months. 9 months of incarceration in Gorakhpur jail was horrible. They tortured me, kept me in a small barrack with 180 hardcore criminals, with a small hall like this, with one toilet, and warned me several times, don't speak about BID of synthesis, otherwise you will be, won't go out from this place. Public में बार बार यही बोलती रही कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई बच्चे ऑक्सीजन कमी से नहीं मरे थे। पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, और वो एफिडेविट मैं आपको देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, योगी गवर्नमेंट ने कहा कि यस, हमसे पेमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से लिक्विड शॉर्टेज गैस की हो गई, पर हमने सिलेंडर से मैनेज कर लिया। ये नहीं बताया सिलेंडर लाया कौन। पर डबल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, डीके सिन्हा हैज ऑर्डर्ड ऑन 30th अप्रैल 2018 व्हाइल रिजेक्टिंग राजीव मिश्रा'स बेल, बोथ द जज अग्रीड विद दैट यूपी गवर्नमेंट कुड नॉट पे द अमाउंट ऑन टाइम, एंड दैट्स व्हाई सो मेनी That's happened. My brother was shot, the chief minister was there on 10th of June 2018. 500 meter ki duri pe. Khud Yogi Adityanath usi Gorakhnath mandir mein the, jahan mera bhai paas mein ammi jaan ke liye chappal lene gaya tha. Do scooty sawar aate hain aur dauda dauda ke goli maarte hain. Purani, maine kal baat kahi thi, Amrish Puri ki movie dekhi hogi, aisi Hindi movie mein. पीछे से गोली मारते हैं और गिर जाता है, फिर उसे दौड़ाते हैं, फिर 3 गोलियां मारते हैं। एंड देन आफ्टर दैट योगी की पुलिस आती है। मेरे भाई को डॉक्टर रणविजय दुबे, द न्यूरो सर्जन वॉज देयर, ही वॉज सेइंग कि जो गोली गर्दन में लगी है
फोन को कुछ हो गया नहीं तो दिखाता आपको। जो गोली गर्दन में लगी है वी हैव टू रिमूव दैट, अदरवाइज विल डाई। और उसके बाद भी 4 घंटे तक हम लोग को वैन में डाल के SSP, SP City और CO घुमाते रहे ताकि वो मेरा भाई मर जाए और वो बात न कर पाए। That's why I called it as a second attempt of murder by Yogi government. They wanted to kill my brother so that he should not open the mouth. आज 1 साल हो गया है, 1 year already passed, but no arrest, no charge sheet, no investigation. आर पार कर दी गई। और सिर्फ इसलिए कि मेरी दाढ़ी थी, जब जेल से बाहर निकला तो मेरी बड़ी दाढ़ी थी, 9 महीने शेव नहीं किया था, और वो झज करके आया था तो उसकी भी दाढ़ी थी। बहुत से प्रेशर डाले जा रहे थे कि BRD के बारे में बोलो मत, नहीं तो मार दिया जाएगा। सी वेयर द बुलेट वाज स्टक, यू कैन सी द बुलेट इन द नेक। एंड इसको रिमूव करने के लिए जो न्यूरो सर्जन थे वो कह रहे थे करना है, और 4 घंटे तक 10 o'clock से 3 o'clock में जाके सर्जरी हुई और गोली निकली। एक तो चमकी बीमारी जो है वो चाहे बिहार की चमकी बीमारी हो, चाहे यूपी का जापानी बुखार हो, चाहे केरल का निपा वायरस हो, चाहे असम का हर्पीस इंसेफ्लाइटिस, ये है तो मस्तिष्क ज्वरी। मैं उसी फील्ड में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो यही सोच के गया था कि शायद एक जान बचा सकूँ तो बड़ी बात होगी, मतलब अपने लिए तो वही है। तो आई नो चमकी बीमारी क्या है, उसके साइंस और सिम्टम क्या है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई ऑफर्ड माय सर्विस। आज भी कई बार होता है कि रात में कुछ 2-4 लोग आते हैं और नारे लगा के ईंट के गोले जो है घर पे मार के चले जाते हैं। घर से बाहर निकलता हूँ तो मैसेज आ जाता है कि आपको जो है भाई के बाद अगला टारगेट आप हो, आपको मार दिया जाएगा। तो ये डर लगने की बात नहीं है, ये लड़ने की बात है। और किसी ने जेल में मुझसे कहा था, कैदी नहीं, मुझे एक बताया था मेरे कैदी, सह कैदी कह दो, कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे चाहे जितना भी झुका लो। अच्छा, ये मैं इसमें एक सिर्फ वर्ड ऐड करूंगा, ये हमारे यूपी का बहुत स्पेशल है कि जाके राखे साईया, मार सके ना कोई। कैमरामैन गुड्डू गुप्ता के साथ मैं परवेज हाशिम, न्यूज़ टैग इंडिया।